खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। या देवी सर्व भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम देवी हो, दुर्गा स्वरूपा हो, ममतामयी हो, जीवनदायिनी भी हो, पर भूलो मत तुम संहारिणी भी हो। अगर तुम हिजाबी हो तो हजरत खदीजा भी बनो, क्योंकि तुम वो ज्वाला हो जो आरती की थाल में जगमगाती है और युद्ध के मैदान में धधकती मशाल बन जाती है। इस वुमेन्स डे के अवसर पर हम आपसे बात करेंगे नारी शक्ति की और नारी शक्ति से जुड़े अन्य मसलों की भी। महिला होने के नाते हम अपने को सशक्त महसूस करती हैं कि जैसे एक औरत है, घर का काम भी करना, फिर बच्चे भी देखना, बच्चे घर में पढ़ाने, कपड़े धोना, सारा काम करती हैं। फिर जो जॉब वाली होती है उन्हें तो ऑफिस भी जाना होता है, फिर घर के भी काम करने होते हैं, और फिर इसलिए अपने को वो सशक्त महसूस करती है। और आजकल औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। महिलाओं को जो भगवान ने ये पावर दी है बच्चों को बर्थ देने की, वो पुरुषों में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो यही महिलाओं को पावरफुल बनाता है। मैदान जंग का हो या खेल का, क्षेत्र कला का हो या कॉरपोरेट का, महिलाएं अपनी शक्ति का उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। मगर इसके बावजूद समाज की प्राथमिकताओं में दूसरे स्थान पर खड़ी हैं। आज भी अपनी अस्मत, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। 15 अगस्त 1947, इस दिन हमें आजादी तो मिल गई मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि आज भी देश की आधी आबादी बेड़ियों में लिपटी हुई है। आज भी महिलाओं को आजादी दी जाती है, यह आजादी उनके अपने आधिकारिक दायरे में नहीं आती। अभी भी हम लोग अपने देश में, अपने शहर में मेट्रो में जब जाते हैं रात को, दिन में तो थोड़ा ठीक रहता है पर रात को हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अभी भी डर लगा रहता है कि कब कौन क्या कर देगा, कुछ पता नहीं है, कब क्या हादसा हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। पता नहीं है कि बदलाव हुआ है। अगर हम सुबह जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, रात को 8-9 बजे के बाद अगर हम लेडीज़ कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें सेफ महसूस नहीं होता है। लड़के टोन कसते हैं या कुछ भी, एक्चुअली हम लोग भी मैरिड हैं पर हम लोगों पर भी टोन कसी जाती है। यौन शोषण आजकल बच्चों पर भी होता है, छोटी बच्चियाँ हैं वो भी सेफ नहीं हैं, और जो हमारे घर की औरतें हैं वो भी सेफ नहीं है। 21वीं सदी की बड़ी विडंबनाओं के बारे में अगर बात करें तो आज भी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सर्वोपरि है, क्योंकि आज भी महिलाओं के साथ हिंसा, उनका शोषण, शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दे ज्वलंत हैं। आज भी ये मुद्दे यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हैं। आंकड़ों की भाषा में समझें तो गांव में महिलाओं का वेतन पुरुषों से कुल 34% कम है, वहीं शहरों में बराबर के शिक्षा होने के बावजूद ये संख्या घटकर 30 हो जाती है। हालांकि ये 4% घटाव शहर और गांव की महिलाओं के साथ हो रहे वेतन भेद में कोई खास अंतर पैदा नहीं करता। सरकार ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरू की, इस पर काम भी हुआ मगर परिणाम अभी भी संतोषजनक नहीं है। महिला शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, जिसमें केवल 51.5% महिलाएं ही शिक्षित हैं। वहीं अगर सेना में महिलाओं की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंडियन आर्मी में 41,074 पुरुषों के मुकाबले केवल 1561 महिलाएं हैं। वहीं एयरफोर्स में 10,781 पुरुषों के मुकाबले केवल 1594 महिलाएं हैं। तुम करते रहो प्रताड़ित मुझे, तुम मुझे यातनाएं देते रहो, मैं तब भी तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कहूंगी। मैं नारी हूं ना, तुम मुझे अस्तित्वहीन समझते रहो, मारते रहो मुझे कोख में ही, मैं तब भी तुम्हें जन्म दूंगी। मैं नारी हूं ना, इन पंक्तियों में नारी को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। नारी अगर सहनशीलता और सौम्यता की मूर्त है तो वहीं दूसरी ओर शक्ति और संहार भी इसका दूसरा रूप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदर्श बनने की होड़ में हम प्रतिरोध करना भूल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये भूल रहे हैं कि हमारे आसपास एक दो नहीं बल्कि हजारों रक्त बीज हैं
जिसका प्रमाण इन आंकड़ों में देखने को मिलता है। विश्व स्तर पर आंके तो हर चौथी महिला यौन शोषण का शिकार होती है और इसके अपराधी बेहद करीबी रिश्तेदार होते हैं। NHFS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 साल के ऊपर लगभग हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। गांव में घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या 54.4% है। शहरों में घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या 46.8% है। आंकड़ों में 7.6% का घटाव महिला सशक्तिकरण के वादों को खोखला साबित करता है। इतिहास गवाह है कि विश्व भर में महिलाओं को कमतर आंका गया। भारत में भी महिलाओं के साथ शोषण का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। वहीं 16 दिसंबर की रात के बाद सूरत हाल बदलने का आगाज हुआ। कई सदियों से सहनशीलता के गर्भ में पल रहा विरोध का लावा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। एक लड़की के साथ हुई बर्बरता ने देश को छकझोर कर रख दिया और एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर से गूंज उठी। प्रदर्शन इतने शक्तिशाली थे कि आंसू गैस, लाठी चार्ज के आगे भी तटस्थ रहे। वो एक लड़की महिलाओं की सुरक्षा का पर्याय बन चुकी थी। सवाल आधी आबादी का था, सो सियासतकर्तों ने भी घुटने टेक दिए और इस प्रतिरोध ने जन्म दिया परिवर्तन को। सोच का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन और परिवर्तन कानून का। देश में महिलाओं की स्थिति में पहले से काफी बदलाव आया है। कपड़ों की आधुनिकता तक पहुंचा ये सफर अभी मानसिकता के शीर्ष तक पहुंचना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस इतना ही। ग्रामीण न्यूज की टीम की तरफ से नारी शक्ति को शत शत नमन है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।